ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपका प्रकाश का अपवर्तन काम कर रहे हैं, और हमारे पास कांच की स्लैब है और हमारे पास कांच का प्रिज्म है। कांच को प्रिज्म को रखने का तरीका ये होता है, इसको हम त्रिभुजाकार आधार से रखते हैं ना कि आयताकार फलक से रखते हैं। ये आपका रखने का तरीका गलत है, जब भी प्रयोग करोगे इसको आप ऐसे रखोगे, ठीक है। एक आयताकार फलक से प्रकाश की किरण जानी चाहिए और दूसरे आयताकार फलक से प्रकाश की किरण आपकी निकलनी चाहिए। तो एक तो एक्सपेरिमेंट आज हम ये करने वाले हैं। सबसे पहले आप लेजर लाइट से चेक कर लेंगे कि भाई क्या वास्तव में प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का इससे होता है कि नहीं होता। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है वो हम करेंगे। तो एक बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर जो है पाउडर झड़काएगा और मैं यहाँ से लाना करो बेटा, झड़काओ इसको। ये देखो, ये आपकी किरण अंदर देखो मुड़ रही है ना, ये देखो ये किरण आपकी मुड़ रही। बस रुको थोड़ा और बेटा, ये देखो ये किरण ऐसे गई और ये यहाँ से निकल गई, दिख रही है। तो फलक से तो कही है ना, अब देखो कैसे जा रही है, इधर से जा रही है और इधर से निकल रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपका प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, टकरा कर वापिस तो नहीं आ रही ना, पार तो हो रही है ना। पार होने का मतलब क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। चलो अब खोल दो।